तो अलकनंदा माता के रूप में भी वो भगवान आकर निर्बंध करके चले गए। बाद में घूमते घामते बंबई आए और प्रेमपुरी महाराज ने लोगों को सत्संग वत्संग दिया और आश्रम बन गया। तो भक्त लोग बोलते ना मेरे घर चलो, जैसे मेरे पीछे पड़ते से उनके पीछे भी सेठ लोग पड़े, मेरे घर चलो। तो बाबा जी किसी सेठ की गाड़ी में बैठे और बर्फ, बम्बई की बारिश है तो कोई ड्राइवर, अभी तो सड़कें अच्छी हुई पहले के, आज से 60 साल पहले 50 साल पहले सड़कें, तो किसी ड्राइवर ने सामने से आते हुए गाड़ी ऐसी मोड़ी कि वो सेठ जिसमें प्रेमपुरी महाराज बैठते थे वो सेठ बैठा था, तो सेठ के मुंह पे जाके पानी के छंडे लगे। व्हील में से टायर में से उछलता है ना पानी, कार चलाते तो पानी उछल के नहीं आता है वो खिड़की से। तो सेठ बोलने लगा, रर के ये क्या है, कैसे नालायक ड्राइवर है, कैसी गाड़ी चलाते, ऐसे करके दुखी हो रहे थे। प्रेमपुरी महाराज ठाका मार के हंसे के, सेठ जी दुख काय को मनाते हो, भगवान के ठाकुर जी के मंदिर में जाकर चरणामृत नहीं लिए तो ठाकुर जी ऐसे ही बरस रहे, और फिर कैसी कृपा की के हो, गाड़ी वाले ने ऐसा टन लिया कि सीधा ठाकुर जी का अमृत तुम्हारे होठों पे लगा, तुम्हारे मुंह पे लगा, तुम्हारे कपड़े पे लगा और तुम्हारी कार को पवित्र किया। भगवान को धन्यवाद दो, काय को दुखी होते हो। ओ बंधन बनाने वाली बेवकूफी जिनकी हट गई वो दूसरों की बेवकूफी की भी कभी कैसे हटा दे, ऐसी उनकी विलक्षण बुद्धि थी। अखंडानंद महाराज उनके पास मिलते आते जाते, मैं भी प्रेमपुरी महाराज के आश्रम में सत्संग के निमित्त मेरे को भी आमंत्रण मिला था लेकिन मैं नहीं जा पाया, मेरा अभी सुना है मैंने देखा नहीं है, लेकिन है प्रेमपुरी महाराज का आश्रम बम्बई में है। अपन न्यू बम्बई में बात कर रहे हैं, वो पुरानी बम्बई में होगा जहाँ भी होगा। जिसने वो देखा सुना है तो हाथ ऊपर करो, है देखो डजनों हाथ खड़े हो गए। अच्छा कितने आओ बुदाए से जाओ, तो आप उनका उद्देश्य हो गया मुक्त होने का, ऐसे आप कृपा करके मुझे परमात्मा बंधनों से दुखों से मुक्ति दे दो, अथवा तो आप मिल जाओ, आप कैसे मैं नहीं जानता हूँ, जैसे भी वो मुझे स्वीकार है। ऐसा करके कमरा बंद करके 10 मिनट तक भगवान से बड़बड़ाओ, जैसा भी आ जाए, झूठ मूठ में भी बड़बड़ाओगे ना तो भगवान उसको भी सच्चा मान लेगा कि झूठ मूठ में बड़बड़ाते तो मेरे लिए है ना, तो भगवान तो उदार है ना। मैं आपको फिर से बोलता हूँ, मेरा उद्देश्य आत्मज्ञान का नहीं था, इतना बड़ा सत्संग करने का उद्देश्य नहीं था, खाली शिव जी मिल जाए बस। तो शिव जी के मंदिर में जाता था तो रास्ते में एक बार बेहोश व्यक्ति पड़ा था, तो मैं दूध और पानी का लोटा और जो पूजा सामग्री थी ले जाता, तो कुछ लोग बोलते तो दारूढ़िया, कोई बोलते पागल, ऐसा करके चले गए, लेकिन मेरा मन नहीं हुआ वहाँ से जाने का। मैंने वो शिव जी को पानी चढ़ाने वाला उसके मुंह में पानी डाला, जरा पानी पानी उसको पिला दिया, भूख लगी भूख लगी, तो शिव जी को जो दूध चढ़ा था तो उसको पिला दिया। वो तो उठ के खड़ा हो गया, बोले मैं क्या भाई तुम्हारा कैसा है, बोले बाबा हम भी, बाबा नहीं बोला भैया, तब तक तो कुर्ता और पैजामा में पहनता था, तो बिहार का हूँ, पिता मर गए थे, भाभी मैंने मारती थी, कमाते नहीं, कम वक्त हराम की रोटी खाते, तो हम आ गए अहमदाबाद में, काम धंधा तो क्या, कूली की मजूरी करने, तो वहाँ से कूलियों ने मिलकर हमको मारा, तो मैं पैदल पैदल मणिनगर स्टेशन में, छोटी जगह है तो कोई मारेगा नहीं, तो मजूरी के लिए जा रहा था, तो रास्ते में चक्कर आए, 3 दिन का भूखा था इसलिए मैं बेहोश हो गया, तो मेरा हृदय पसीजा, मेरे खर्ची के पैसे सब उसको दे दिए और माँ को बोला कुछ रोटियाँ बना दे, 2-3 दिन खा सके, ऐसी मीठी रोटियाँ होती ना भाकरी, बना दी उसको, अच्छी तरह से पकड़ा दी और पैडल रिक्शा में बिठा के उसको मणिनगर भेज दिया। अरे अंदर से तो, अरे बेटा तूने बहुत सेवा की, मैं क्या कौन बोलता है, बोले जिसकी तू पूजा करता है वही बोल रहा हूँ। उद्देश्य तो नहीं था लेकिन गरीब गरीब को देख के रुक गया और उसकी थोड़ी सी सेवा किया और महाराज खुद बरसने लगे, जिसकी तू पूजा करता है मैं वो बोल रहा हूँ, मैं शिव जी बोल रहा हूँ। फिर थोड़े दिन में ही लगी लगन, तो घर छोड़ के अनुष्ठान करने गए, तो बोले जाओ जाओ शिव जी, वो अंदर से आवाज आता कि जाओ लीलाशाह जी के पास जाओ, मैं मिलूंगा।
तुम कौन बोल रहे हो? बोले मेरा अनुष्ठान कर रहा है, मैं बोल रहा हूँ। सुबह मंदिर में जाता तो शिव जी के बाण पर जो पूजा की सामग्री होती वो खिसक जाती। तो माना जाता है कि भगवान जब प्रसन्न होते ना तो आप मंदिर में जाते ही देव का नैवेद्य खिसक जाए, फूल आदि जो, तो समझ लेना भगवान की प्रसन्नता। तो मोटी कोरण में रहता था अनुष्ठान के दिनों में, तो जब भी मंदिर में जाऊँ तो ऐसे ही शुकन होते, या तो नंदी के यहाँ फूल पड़ा वो सिख खिसके, या तो पार्वती जी के सिर पर से या पैर पर से खिसके, या तो शिव जी के ऊपर से, लगभग ऐसा होता था। मैं बोलता क्या इतना प्रसन्न हो गया मेरा मंदिर में जाना और ये सब होना। रोज तो नहीं होता था लेकिन ज़्यादातर होता था, तो मेरे को भी अच्छा लगता था कि भगवान तुम खुश तो हो, तुम मेरे पे खुश तो हो, तो खुश तो तो फिर जाओ लीलाशाह के पास, मैं वहाँ सब रूपों में मिलूंगा, शिव पार्वती गणपति सभी रूपों में मिलूंगा। तो तुम कौन बोल रहे हो? बोले मैं वो ही बोल रहा हूँ। ये मेरे मन की कल्पना है कि आप बोल रहे हो, मेरे को कैसे पता चले? ऐसे 40 दिन मुश्किल से पूरा किया और गए गुरुजी के पास और तुरंत धड़ाक से ब्राह्मी स्थिति प्राप्त कर कार्य रहे ना शेष, गुरुवर कार्य रहे ना शेष, मोह कभी ना ठग सके इच्छा नहीं लगे, पूर्ण गुरु कृपा स्वप्न सुषुप्ति चेते ब्रह्मानंद का आनंद लेते, खाते पीते बोध या कहते ब्रह्मानंद मस्ती में रहते, रहो गृहस्थ गुरु का आदेश, गृहस्थ साधु करो उपदेश, किए गुरु ने वारे न्यारे गुजरात डीसा गाँव पधारे, वृत्त गाय दिया जीवन दाना, तब से लोगों ने पहचाना, द्वार पे कहते नारायण हरि, लेने जाते कभी मधु करी, तब से वे सत्संग सुनाते, सभी आरती शांति पाते, जो आया उद्धार कर दिया, भक्त का बेड़ा पार कर दिया, कितने मरना संग चिलाए, व्यसन वास और मत छुड़ाए, हरि ओम 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 हरि ओम, नारायण नारायण नारायण। अपना उद्देश्य अगर ईश्वर प्रीति हो जाए, अपना उद्देश्य ईश्वर प्राप्ति हो जाए, अथवा अपना उद्देश्य मैं वास्तव में भगवान का हूँ, मैं कैसा हूँ मैं नहीं जानता, पापी हूँ कैसा भी हूँ, कुछ लोग बोलते मैं बहुत खराब हूँ, कुछ लोग सोचते मैं बहुत अच्छा हूँ, ये दोनों उलझ जाते, मैं ऐसा बन जाऊं वो भी उलझ जाते, लेकिन मैं भगवान का था, भगवान का हूं, भगवान का ही रहूंगा, ऐसा वास्तव में है, उसको खाली मान लेना, वाह वाह। तो अपने को भगवान जगन्नाथ, जो जगत का नाथ है, शरीर भी जगत है, ये भी दिखता है वो भी जगत है, तो जैसे शरीर को चलाने वाला अंतर्यामी नाथ है, ऐसे सारे जगत में अंतर्यामी नाथ ही व्यवस्था करती, ये जगन्नाथ भगवान के नाम की महिमा हो। जय जगन्नाथ। बस हे जगन्नाथ तुम ही सत्य हो, शरीर सत्य नहीं है, दुख सत्य नहीं है, जगन्नाथ अंतरात्मा है, तुम सत्य हो, ऐसा उद्देश्य बना लो। ओडिशा वाले परबाली वाले तो बार बार अच्छा काम करके ईश्वर को अर्पण करना, बुरे काम से बचना, ये बहुत अच्छा है, लेकिन उससे भी ज़्यादा अच्छा है कि मन बुद्धि शरीर सब ईश्वर की सत्ता से स्फुरित होते हैं और ईश्वर की सृष्टि में विचरते हैं और ईश्वर में लीन हो जाते हैं। मैं भी ईश्वर में लीन होता हूँ रात को रोज,
तो आए अच्छा शुद्ध होना ये अच्छा उद्देश्य है, अच्छा है, लेकिन उससे भी परम शुद्ध हो जाता हो वो हो जाता है कि मन बुद्धि जब भगवान के, और सबका सार भगवान है, तो फिर भगवान में प्रीति होने से विकार तो शमन होते रहते हैं, लेकिन उद्देश्य भगवत प्रीति भगवत रस जल्दी मिल जाता है। मन को शुद्ध करने वाले को तो न जाने कितने साल लगेंगे, रिद्धि सिद्धि पाने वाला तो न जाने कौन सी दिशा में अपनी गाड़ी दे के गिरेगा कि चढ़ेगा, लेकिन भगवान का उद्देश्य वाला तो जल्दी तर जाता है। रावण ने तपस्या किया, रिद्धि सिद्धि पाई, सोने की लंका बनाई। हिरण्यकश्यप ने तपस्या किया, लेकिन उद्देश्य ईश्वर का नहीं था, मैं कुछ बन के दिखाऊं, तो ईश्वर से अलग अपना मैं सजाना है ना, नहीं, अपने मैं का वास्तविक मूल ईश्वर है। हर तरंग का वास्तविक मूल पानी है, हर घड़े के आकाश का वास्तविक मूल महाकाश है, हर श्वास का वास्तविक मूल महाश्वास मिला हुआ है, हर जीव का वास्तविक मूल परब्रह्म परमात्मा है। और परमात्मा सत्रूप है, इसलिए सब सदा रहना चाहते हैं। भगवान चेतन रूप है, इसलिए सब जानकारी चाहते हैं। बच्चा होता तो ये क्या हुआ ये होगा, अभी कोई आ जाए तो आपके कान खड़े हो जाते, कौन है कैसा है, जानने की इच्छा और सदा सुखी रहने की इच्छा, ये भगवान का स्वभाव। तो पद पद पे तुम्हारा अच्छा लगता है, लेकिन बीच में मैं बना लिया, नहीं मैं फलाना हूँ, मैं फलाना हूँ, मैं बंसी वादक हो जाऊँ, मैं फलाना हो जाऊँ, उसी में फंस मरे। भगवान का होकर बंसी वादक हो जाओ, भगवान का होकर कैसियो वादक हो जाओ, भगवान का होकर भीखमंगा बन जाओ। मैं भीखमंगा बन गया था, मेरे मन में आया कि मैं घर छोड़ के अभी तक मैं दान का नहीं खाता हूँ, कुछ भी आता है तो बांट देता हूँ, अपने पैसों का खाता हूँ। तो फिर कान पकड़ा के ये भी तो अहंकार है भगवान से, तो सब बांट दिया गरीबों में, फिर भिक्षा मांगने गया तो मधोगिरी लेने जाता। उद्देश्य भगवान के दर्शन का था, सच्चिदानंद की प्राप्ति का ब्रह्म ज्ञान का उद्देश्य नहीं था महान, खाली भगवान के दर्शन का उद्देश्य था, तो भी बुद्धि साथ देती थी और भगवान मार्गदर्शन कर देते थे। लोगों ने गुरुजी को फोन करे, चिट्ठियां लिखी के साईं लीला शाह के शिष्य यहाँ डीसा में, और साईं का एक साधु भिक्षा मांगने जाए, साईं हमारी इज्जत का सवाल है, आप आशाराम को आज्ञा करो कि भिक्षा मांगने का छोड़ दे। साईं ने उनको कहा कि होशियार है और होशियार बनेगा, मैंने साईं भी मेरे फेवर में जजमेंट दे दे, होशियार है होशियार बनेगा बोले। अब क्या होशियार हूँ तुम ही जानो बाबा, क्या होशियार बनाऊ तुम ही जानो, हमारे को तो बस भगवत रस पिए और पिलाए, बस आई है। पहले तो खाली शिव जी दिखे खुश हो जाएंगे, शिव जी तो शिव जी खुश हो जाएंगे उद्देश्य था। आप तो देखते कि सभी शिव रूप है, अपनी अपनी खुशी में जग जाओ। अब तुम खुश हो जाओ, ऐसा सोचने से ही मेरी खुशी छलकती रहती है। फिर रेलगाड़ी भी चलाओ तो उसमें भी खुशी बढ़ती है, जोगिरे में भी खुशी बढ़ती है, कोई कुछ पहरा देता है यूं ही हो गए तो आनंद ही आनंद। आपको भी चैन नहीं पड़ता सत्संग बिना, और फिर मेरे को भी चैन नहीं पड़ता कि बेचारे बैठे होंगे, चलो चलो दे दो तारीख, ऐसा चलता हो गया। ये कैसा है जादू समझ में न आया, तेरे प्यार ने हमको जीना सिखाया। तो भगवान का प्यार वास्तव में, हम भगवान के थे, भगवान के हैं और भगवान के ही रह सकते। लवर बोलता तू चिंता मत कर मैं तेरा हूँ, लेकिन दो घंटे के बाद तो दूसरी लवरी का तलवा चढ़ता है। लवरी बोलती तुम्हारे बिना नींद नहीं आती, लेकिन फोन पर तो दूसरे लवर से बात करती है, सब ठगी के उद्देश्य है। उद्देश्य तो भगवान ही वास्तविक में, तुम चिंता नहीं करना मैं बैठा हूँ। छाती ठोक के गया, आधा घंटे के बाद तो टीवी चैनलों में गया कि फलाना आग नेता हार्ट फेल हो गया, अभी तो छाती ठोक के गए थे हम बैठे बोले। मरने वालों की रहमत का क्या उद्देश्य बनाते, ऐसे वर को क्या वरूँ जो पैदा हो मर जाए। मैं तो वरूँ मेरे अंतर आत्मा परमात्मा को, मैं तो वरूँ मेरे गिरधर गोपाल को, मेरा चुड़लो अमर हो जाए। तो मीरा ने भी साकार कृष्ण का उद्देश्य बनाया तो भी तर गए। तो आप साकार का उद्देश्य बनाओ कि ईश्वर जिससे ईश्वर वो वास्तविक तत्व का उद्देश्य जान लो। उद्देश्य जानने से बहुत आसानी हो जाती,
उद्देश्य बनाना तो ईश्वर प्राप्ति का उद्देश्य बन जाए, चाहे साकार का चाहे निराकार, फिर आप डॉक्टर बनो, वकील बनो, धंधा करो, ये आवांतर उद्देश्य है। जैसे आपने इधर आने का उद्देश्य बना लिया, फिर बाइक पे आते हो कि कार में आते हो कि किसी ट्रेन में आते हो या किसी की लिफ्ट लेके आते हो, ये आवांतर हो गया। तो मुख्य उद्देश्य, फिर आवांतर उसके अनुरूप हो जाए। मुख्य उद्देश्य भोजन करना, फिर आवांतर में कैसा बनाना, क्या बनाना, ये सब चल जाएगा इधर उधर थोड़ा बहुत। तो जिसका उद्देश्य ईश्वर प्राप्ति का बन गया ना, वो फिर इधर उधर के भाषण में नहीं टिकेगा। जिसका उद्देश्य गुरु की अनुभूति, अपनी अनुभूति, तो फिर गुरु के सत्संग के बिना दूसरी जगह उसको मजा भी नहीं आएगा। दूसरे के भाषण भाषण आ रहे बने डर। मेरे को कई लोग कुछ कुछ आके पट्टियां पढ़ाते, फिर उनका मैं सुनता चुपचाप, फिर वो जाते ना तो मैं बोलता डर। लेकिन वो मेरे को तो सत्संग नहीं था, तो जैसा आता था ऐसा होता था। आपको तो सत्संग है, तो आप तो कर दो, मैं भगवान का भगवान, मेरे डर से भी हजार गुना ज्यादा फायदा है ना। फिर डर काय को, मेरी नकल मत करो, तू मेरी अनुभूति को पकड़ो, मेरी नकल को, जैसा मैं क्या ऐसा तुम करोगे तो लंबा रास्ता हो जाएगा। मैं तो ऐसा मन में कर देता था। वो भाई भी ऐसा था कि दुकान वालों को बोले, देखो मेरे भाई को समझाओ, देखो मेरे को साथ नहीं देता, अब इतना बड़ा भाई शादी की मना करता है, दुकान पे नहीं आता, कमरे में बंद रहता है, सत्संग में चला जाता है, उसको समझाओ। तो सब सखीबा खाने का भी कोई आया, वो भी किसी किसी को पकड़ के ले आता, भाषण अपना ठोकता, मैं भी सुनता रहता। फिर बोले, भाई हमने तो ठीक कहा है, तुम तो भगत आदमी है। मैं कहा हाँ। फिर वो जाता तो मैं हंसता, तो मेरा भाई पूछता क्यों हंसता, मैं कैसे अंदर से होता था डर। अरे जिसको भगवान मिला नहीं, उसके उपदेश में रखा भी क्या है, डर। आपको कोई भी बोले तू शादी कर ले, तू ऐसा कर ले, तू ऐसा कर ले, बोले डर। तू इंजीनियर बन जा, तू डॉक्टर बन जा, तू ये बन जा, बन के तो मरना बिगड़ना, मैं तो भगवान का भगवान, मेरे ये मेरे को पहचाए, बाकी डर। डर नहीं करो, डर तो जरा लंबा रास्ता है, मेरे को लंबे रास्ते जाना पड़ा, मेरे को ऐसा सत्संग मिलता तो मेरा रास्ता और भी छोटा हो जाता। उमाना ओम, श्री कृष्ण ने यशोदा को यही रास्ता बता दिया ना, यह भी पता चला। कृष्ण यशोदा के कान में बोलते, उमाना ओम, ओम अमर आत्मा है चैतन्य, मैं भगवान का हूँ, भगवान मेरे। तो कृष्ण बोलते यशोदा को, यशोदा कृष्ण को बोलती, वो यशोदा और कृष्ण अभी भी तुम्हारे साथ है। भगवान के यश गान करने वाली बुद्धि का नाम यशोदा है, और बुद्धि के साक्षी परमेश्वर का नाम कृष्ण है।